मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। राज्य आबकारी विभाग की एक टीम ने रॉयल ब्लू विस्की का स्टॉक जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 77 लाख की बताई जा रही है। सायन पनवेल रोड पर कोपरा गांव में चलाए गए अभियान के दौरान अधिकारियों ने ट्रक चालक संदीप पंडित और क्लीनर आधान धर्मा अधिकारी को हिरासत में लिया है। क्रिसमस और नए साल के जश्न की पृष्ठभूमि में राज्य के आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि गोवा से बड़ी मात्रा में शराब अवैध रूप से मुंबई पहुंचाई जाएगी। इस सूचना के आधार पर निरीक्षक संजय पुराड़कर, उप निरीक्षक प्रमोद कामले, शिवाजी गायकवाड़ टीम सहित टोल बूथ के पास एक संदिग्ध शराब ट्रक को रोका। ट्रक की जाँच करते समय अधिकारियों ने पाया कि ट्रक में रॉयल ब्लू विस्की का स्टॉक था, जिसे महाराष्ट्र राज्य में बिक्री के लिए लाया जा रहा था। इसके बाद विभाग की टीम ने 898 बॉक्सेस जब्त किए हैं। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। नाताळ नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आम्हाला माननीय आयुक्तांचे आदेश आहेत की संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये तुम्ही नाकेबंदी करा आणि यासंबंधी एक मोहीम राबवा। तर अशा पद्धतीने आम्ही नाकेबंदी केला असता एक खबर मिळाली होती, त्यामुळे आमचे अधिकारी आहेत कांबळे यांना खबर होती की अशी अशी एक गोव्यामधून गाडी जाणार आहे आणि तिच्यामध्ये गोवा राज्यात विक्रीकरता असलेला जो आपल्या महाराष्ट्रामध्ये प्रतिबंधित आहे अशा विक्रीकरता असलेला माल जाणार आहे व येणार आहे आपल्या इथे। मग त्यांनी सापळा रचून आपण ही गाडी पकडलेली आहे। याच्यामध्ये साधारणतः 900 बॉक्सेस आहेत गोवा राज्यातील मद्याचे आणि त्याची किंमत जी आहे ती 76 लाखाचा एकूण मुद्देमाल आहे।